कितने डिलीशियस है तुम्हारे मैक्रोन्स। हाँ डायना, वी डू आवर बेस्ट। हमारे पास सबसे अच्छे मैक्रोन्स हैं। बिग, क्या तुमने ये फिर से? जूजा, कस्टमर आए, आप क्या लेंगे? ऑलराइट, मुझे ये गोल्ड शेप्स कुकीज चाहिए। मुझे मीठा पॉपकॉर्न चाहिए। तुम्हारे पास नमकीन है? ऑलराइट गाइस, यहाँ पर सब कुछ है, पर पहले पैसे। ऑलराइट बिग, कम इन, ये लो पॉपकॉर्न। ये मैक्रोन कितने डिलीशियस हैं। लेकिन प्लीज, किसी से कहना नहीं, मैंने तीन खाए हैं। गिगी, तुम मेरे लिए एक कोल्ड लेमोनेड बना सकती हो अभी क्या प्लीज? हाय गर्ल्स, ये मैक्रोन्स लो, मैंने तुम्हारे लिए भी पे कर दिया है। थैंक्स डायना। गर्ल्स, हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और टेंशन लेमोनेड। तुम्हें कौन सा चाहिए? अभी नींबू पानी नहीं बचा है। बिग, तुम कुछ देर से मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। जाके लेमोनेड लेके आओ जल्दी। सो डिलीशियस। गर्ल्स, कहाँ रह गई हमारी न्यू कमर एशली? वो न्यू कमर, उस न्यू कमर ने क्या नए फ्रेंड्स बना लिए हैं? ये न्यू कमर हमेशा बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ रहती है और बास्केटबॉलर्स उसके साथ। And I don't really like it anymore. डायना, चलो चल के इस न्यू कमर से बात करते हैं, या फिर अच्छा होगा कि बास्केटबॉल प्लेयर से बात करें। क्यों? अगर बास्केटबॉल प्लेयर्स को उनके साथ रहने में मजा आता है तो फिर आने दो। तुमने पहले कहाँ पढ़ाई की? At the cool school. ठीक है, एशली सबसे अच्छी लड़की है। वैसे सबसे कूल एशली का सबसे कूल बॉयफ्रेंड होना चाहिए। वो कहाँ है? मेरा बॉयफ्रेंड पिछले स्कूल में रह गया, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ओ चलो, तिमूर ने तो ऐसे ही पूछा। उसे आने की कोई जरूरत नहीं है, नए लड़कों का स्वागत नहीं है। राधा राम, ज्यादा लड़कियाँ चाहिए और सुंदर। ओ हाँ, हमें यहाँ और भी सुंदर लड़कियों की जरूरत है। ओके बॉयज, मुझे चलना होगा। क्या आपने वो सुना? वो एक भूखा हाथी है जो आपसे खाना मांग रहा है, और वो एक शेर है जिसके पैर में चोट लगी है। मैं हर दिन जानवरों की रक्षा करती हूँ और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। चलिए अब इन जानवरों को वापस उनके टिप टॉप आकार में ले आएं और उनमें से हर एक के लिए घर बनाएं। अभी हमारा गेम डाउनलोड करें। हमारे जानवर दोस्त वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। So girls, तुम्हें नई न्यू कमर कैसी लगती है, जिसे तुमने कईयों में से एक चुना है? डायना, वैसे हमें नहीं पता था वो इस तरीके से बिहेव करेगी। हाँ, ये सिर्फ दूसरा दिन है और वो हमारे बॉयज के साथ फ्लर्ट कर रही है। हमारे बॉयज भी कुछ बेहतर नहीं है, वहाँ खड़े होकर उसके साथ हंस रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं। हाँ, जबकि उनके बीच कुछ कॉमन भी नहीं है। उसे आए हुए एकेडमी में सिर्फ दो दिन हुए हैं। Hi girls, how was your mood? Excellent, Ashley. Awesome, मेरा भी मूड जबरदस्त है। तुम देखना, स्टेला हमें जाने देगी और लड़कियों को परमिशन मिलेगी। स्टेला गुसेल मगरमच्छ की तरह है, हमें नहीं जाने देगी। स्टेला क्रोकोडाइल हो सकती है, लेकिन वो एंग्री नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है। स्टेला, प्लीज। नहीं, मैं किसी को भी कहीं नहीं जाने दूंगी। बनीज वहाँ है, जाकर उनसे पूछ लो। Come on, Stella, हम कल कुछ टेस्टी सा तुम्हारे लिए खरीदेंगे। गर्ल्स, मुझे कुछ भी टेस्टी नहीं चाहिए। शॉन और जाक, मैंने सब सुना है तुम मुझे क्रोकोडाइल बुला रहे हो, बेशरम चूहे। ठीक है, वो अब गुस्से में। वैसे तुमने ही उसे मगरमच्छ कहा था। अब से तुम्हारा निकनेम होगा स्टेला क्रोकोडाइल। यू डिजर्व इट मीनी। कोई भी अकेडमी स्किप नहीं करेगा, समझी? स्टेला, गुस्सा मत करो, तुम्हें शोभा नहीं देता। मारियो, तुम अभी यही हो? तुम डिजाइनर की पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? जाओ, क्लास शुरू हो गया है। अच्छा ठीक है, मारियो जा रहा है। हाय स्टेला, हमारे पास एक काम है, थोड़ा नजर रखना इस पर। वो थोड़ी शेडी लगती है। हमने उसे टीम में ले लिया, लेकिन हमें 100 बार पछतावा हो रहा है। जूनियर, देखो वो लोग जाने की परमिशन ला रही हैं। उसे जरूर जाने देगी। क्रोकोडाइल मीनी। मैं समझ गई गर्ल्स, तुमने उसे लिया है क्यों है? ये कनोप और नास्तिया का आइडिया था, मुझे सरप्राइज करना चाहती थी। सरप्राइज फेल हो गया। गर्ल्स, अब से वो स्टेला के कंट्रोल में है। थैंक्स स्टेला। ऐसा लग रहा है उसे उड़ा दिया गया हवा की तरह। हो सकता है उसने महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। गर्ल्स, चलो उसे दिखाते हैं इंचार्ज कौन है। किटीज और दोनों छोटे चूहे। ट्रोंसी का ये जर्नल बिल्कुल खाली पड़ा है, और मुझे लगता है इसे भरने वाले तुम ही पहले होने वाले हो। ओके, चलो पढ़ने चलते हैं। हम जा रहे हैं। वॉक, मेरा बैग। इट्स बेटर नाउ। So I'm proud of you, ने दिखाने के लिए कि इंचार्ज कौन है? Oh my God, girls, पता है मैंने उसे एक फोटो भेजी किसकी? ऐसे, और पता है उसने मुझे क्या लिखे भेजा? है की? क्या ये चिकन का बट है और एक स्माइली इमोजी? ये तो बड़ा फनी है गा। तुम लोग अभी हंस रहे हो, तुम लोग मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? ये तो फनी है गा लॉरेन। आई थिंक तुम्हारे विसल्स फनी है। ये पतले हैं। सिर्फ शैतानी गर्ल्स के पास विसल्स होते हैं। तुम शैतानी गर्ल्स हो। ओए सीटी केड़े वाली, सारे विसल्स तो नॉर्मल हैं ये।
होप यहाँ तो हॉकी प्लेयर्स हैं। हमने तुम्हें पकड़ लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ साडे परफ्यूम के स्मेल से इतने आए हो कि हम क्लास बंक नहीं कर रहे, सिर्फ एक क्लास कैंसिल हो गई। समझ आया? ओके बास्केटबॉल गर्ल्स, हमें बात करने की जरूरत है। क्या वो नई लड़की तुम्हारे कमरे में रहती है? अच्छा गाइस, हाँ वो रहती है। तो क्या, तो वो कैसी है? बिल्कुल नहीं, बड़ी बोर हैगी। क्या उसने तुम्हें बताया कि उसे कौन सा लड़का सबसे अच्छा लगा? सुनो तिमूर, वो पक्का तुम्हें लाइक नहीं करती। वो बहुत अजीब है और ज्यादा सोशल नहीं है। ओ सनु कुछ भी नहीं दस्ती। मुझे ऐसा लगता है वो एक रियल चीयरलीडर नहीं है, उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया दोस्तों, मैं शुरू से ही उसे पसंद करता हूँ। आई वंडर के बनी लड़कियों को इसके बारे में पता। बिल्कुल नहीं, बनी लड़कियों ने उसकी बातों में आकर उस पर विश्वास कर लिया और वो उन्हें अपनी कहानियाँ सुना रही है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे साथ किया। मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है। क्या सवाल है? हम तीनों में से सबसे ब्यूटीफुल लिप्स किसके हैं? चिकन्स बट। अपने वेसल्स बंद रखो गर्ल्स। लॉरेन तुम्हारे होंठ चिकन के बट के जैसे दिखते हैं। चिकन बट। इधर आओ किरिल। ऑलराइट गर्ल्स, चलो अपना ध्यान हटाते हैं अपनी प्रॉब्लम से और एशली से, जो हमारे गाइस के साथ फ्लर्ट कर रही है, और फोकस करते हैं इम्पोर्टेंट चीजों पे। तुम्हें पता है ना कि अपने बर्थडे पे मैं लॉन्च करना चाहती हूँ अपना क्लोथिंग ब्रांड और एक कलेक्टेबल हैंडबैग। डायना, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। और अब मैं अपने कलेक्शन पे काम करना शुरू करूंगी और तुम सब मेरी इसमें मदद करोगी। डायना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम बस बताओ क्या करना है और कनोपा हेल्प के लिए रेडी रहेगी। कनोपा पहले अपनी चाय पियो। ओके कनोपा, मुझे भरोसा है कि तुम फैब्रिक सिलेक्शन का काम कर लोगी। फैब्रिक हाईएस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। डायना, कनोपा सबसे बेस्ट फैब्रिक्स ढूंढ लेगी। कनोपा, क्या तुम डायना को मक्खन लगाना बंद कर सकती हो? मैं इससे परेशान हो गई हूँ। डायना, मुझे क्या करना होगा? तुम नास्तिया एक फैक्ट्री ढूंढना जहाँ बेस्ट सीमस्ट्रेसेस हों, जो कि बनाए मेरे कलेक्शन। डायना, तुमने मुझे सबसे अनइंटरेस्टिंग टास्क दिया है, तुम क्या करने वाली हो? नास्तिया, डायना अपने कलेक्शंस डिजाइन करेगी, क्या क्लियर नहीं है? गर्ल्स, हमारे सामने बहुत बड़ा काम पड़ा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और फैंस मेरे कपड़ों में कूलेस्ट दिखें। डायना, हमारा क्या, मैं चाहती हूँ तुम्हारे कपड़े खरीदने वाली मैं पहली हूँ। सारे कलेक्शन तुम्हारे लिए भी होंगी गर्ल्स, सो लेट्स गेट टू वर्क। चलो काम शुरू करें। ऑलराइट, मैं एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल की नहीं हूँ बल्कि एकेडमी बानी की हूँ। तुम सब अडल्ट्स हो, इसलिए बचकानी हरकतें पीछे छोड़ दो। अब तुम नन्ही चुहिया, मेरी नजर तुम पे होंगी। क्यों, मैं चुहिया नहीं हूँ? आज से तुम मेरे लिए चुहिया ही हो एशली। देखो स्टेला, मैं बास्केटबॉल उसको कम्प्लीट कर दूंगी और वो मेरे लिए जरूर खड़े होंगे। तुमने वो सुना? सुनो चुहिया, बास्केटबॉल मुझसे वैसे ही भागते हैं जैसे कि वो आग से भागते हैं। गलत आदमी को डरा रही हो। From now on, we'll expel any hockey players. समझ गए, ये हमारे लिए था। जीनी और मैं अब क्लास स्किप नहीं करेंगे, हाँ ना जानिया? और स्किपिंग नहीं होगी। Well, great, I'm glad. हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। और मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे भी। दिखावा मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। अपने काम से मतलब रखो मैस्कॉट। बस खत्म, क्रोकोडाइल स्टेला को गुस्सा आ गया। ए, शांत हो जाओ, वो अभी भी यहीं पर है। गाइस शांत रहो ना, लेसन शुरू ही होने वाला है। ड्राइंग, आई हैव ड्राइंग। बनी आ रही है। तो हम इस एशली को अपनी टीम से निकाल रहे हैं। Yes, Dana, I love you. जैसा तुम्हें ठीक लगे डायना। डायना, मैंने तुमसे कहा था वो मुझे नहीं पसंद। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि वो असल में कैसी है। गर्ल्स, हमारी टीम में कोई शेडी इंसान नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो बनी, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। ओ, वेट कर रही है? हम बस इसका साथी नहीं आए। या बास्केटबॉल गर्ल्स, मैं सुन रही हूँ। You know what, बास्केटबॉलर गर्ल्स, अभी हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हाँ, हमारे पास अपनी खुद की प्रॉब्लम लगता है। बनी, दमूर ठीक नहीं है। मुझे भी एक प्रॉब्लम है। आज तुम्हारे किरिल ने मुझसे कहा कि मेरे लिप्स चिकन बट जैसे हैं। काम डाउन, उससे बात करो। लग रहा है जैसे किरिल हैज बीन पुशिंग हिज बाउंड्रीज लेटली। ऑलराइट लॉरेन, मैं उससे आज जरूर बात करूंगी, सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि कुछ और बारे में भी। किरिल गया काम से, ज़कात भी। थैंक यू डायना, मुझे हमेशा से पता था तुम एक समझदार लड़की हो। ऐसे अच्छा नहीं लगता बॉयज ऐसा करें। तो चलो, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो वेसल्स? हे लॉरेन, सारे लिप्स नॉर्मल आएंगे। ये लिप्स नहीं है, ये वेसल्स है। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने लॉरेन के लिप्स को चिकन बट बुलाया, मुझे नहीं लगता ये ऑफेंसिव है। गर्ल्स, इट्स नॉट फनी। तुम्हें नहीं लगता हमारे बॉयफ्रेंड्स बेवकूफ और आलसी हो गए हैं? हमें इस बारे में कुछ तो करना होगा। गर्ल्स, हम आपका इंतजार कर रहे थे। Really? हमारा? हमें लगा तुम एशली का वेट कर रहे हो। By the way, वो आ रही है। लड़कियों, तुम लोगों को क्या हुआ?
तुम एशली और नाश्ते के बारे में क्यों बात कर रहे हो? डायना क्या बात है? किरिल तुम दूर रहो, एंड यू बॉयज, मैं चाहती हूँ तुम सब जाकर कल डायरेक्टर से मिलो, वही तुम्हें समझाएंगे कि कैसे गर्ल्स को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि तुम्हें किसी के लिप्स चिकन बट्स की तरह दिखते हैं। और एशली वहाँ पर है, जाओ और उससे बात करो, वो शायद तुम्हारा वेट कर रही होगी। और वो हमसे पंगे ले रही है, और हमें कुछ पता भी चला है। What did you find out? तुम लड़कों में से एशली को सबसे ज्यादा कौन पसंद आया? Boys, you are disgusting. जब तक हम सब पता नहीं कर लेते हमारे पास मत आना। लॉरेन तुम बेवकूफ हो। बेग, अब जाने का टाइम हो गया है, कैफे बंद हो रहा है, चलो साफ करें और जाएं। हे रुको, अपन को गेम खत्म करने का है। बेग चलो सफाई करें। लेकिन गेम बकवास। ओके गर्ल्स, हमने बास्केटबॉलर्स को दिखा दिया कि इंचार्ज कौन है। उन्हें पता चलने दो कि दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने से क्या होता है। हाँ, हमें कैसा लगेगा जब हमारे बास्केटबॉलर्स एशले के साथ फ्लर्ट करेंगे पूरी एकेडमी के सामने। मैंने तुमसे कहा था नो न्यूकमर नो प्रॉब्लम, तो वो अब से हमारी टीम की मेंबर नहीं है। हाँ गाइस, वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल आइकन और वेट कीजिए हमारे कूल सीरीज का। मिलते हैं आप सबसे जल्द ही। बाय।